आरुषि जी, आप उत्तराखंड से खूबसूरत सी जगह वादियों से आती हैं और मुंबई आना हुआ है, क्या वजह है, मुंबई आने का कोई खास वजह? मुंबई से एक अलग सा जुड़ाव और कनेक्शन है, और जैसे गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर तक जाती है, ऐसे ही हमारी कोशिश रहती है कि उत्तराखंड की जो ब्यूटी है, जो आर्ट फॉर्म है और जो टैलेंट है, उसको हम उत्तराखंड से लेकर मुंबई तक ला सके। और यही कोशिश के चलते हमने एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला है जिसका नाम है हिमश्री फिल्म्स, और लगातार हिमश्री फिल्म्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा है, एंड वी ट्राई आवर बेस्ट टू मोटिवेट मोर एंड मोर यंग ब्लड एंड द यंग एनर्जी। तो मुंबई से एक अच्छा खासा रिश्ता है। तो आरुषि जी, आपने बताया कि आपने एक न्यू प्रोडक्शन हाउस की भी शुरुआत की, तो उसके माध्यम से अभी कोई प्रोजेक्ट लोगों के सामने आया है या फिर रेडी है और लोगों के सामने कब तक आ जाएगा? हमारा एक जो प्रोजेक्ट है जो मेरे खुद के दिल के बहुत करीब है, उसका नाम है तारिणी, जो कि हम टी सीरीज़ के साथ को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और तारिणी का पोस्टर हम लोगों ने टी सीरीज़ के साथ 8 मार्च को, जो कि एक इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है, उस पर हमने लॉन्च किया। और एक ये बहुत खूबसूरत रियल इंसिडेंट बेस्ड कहानी है, जिसकी एक्सक्लूसिव परमिशन हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लेके आए हैं। और ये एक 6 जाबाज नेवल ऑफिसर्स की कहानी है, जिन्होंने एक पूरी दुनिया का सकम नेविगेशन छोटी सी मेक इन इंडिया के एक बोट में किया था। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये बहुत क्लोज इवेंट रहा है, और आई फील वेरी फॉर्चुनेट टू बी एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट। इसको प्रसून जी ने भी जो है उसको 3-4 राइटर्स को, रिसर्चर्स को लेकर 1.5 साल हम लोगों ने इस पर काम किया है, एंड आई फील फाइनली इन 2020 वी कैन सी दैट ऑन द स्क्रीन। अपार्ट फ्रॉम तारिणी, हम लोग हॉटस्टार के साथ में एक वेब सीरीज़ को लेकर आ रहे हैं, और जिसमें आपको खूबसूरत पहाड़ों की वादियाँ, वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ऐसा कोई और प्रोजेक्ट भी होगा जिसकी शूटिंग आप मुंबई में भी करेंगे? क्योंकि जब फिल्मों की बात आती है, पहले कि आज लोग आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, लेकिन लोग पहले मुंबई में शूट किया करते थे। एब्सोल्युटली, इवन दो लॉट ऑफ बिट्स ऑफ तारिणी यहाँ पे ही शूट किया जाएगा, और मैं एक प्रोडक्शन हाउस के अलावा मैं एक्टर ऑल्सो, और लगातार काफ़ी अच्छे फिल्म्स और वेब सीरीज़ के हमको ऑफ़र आ रहे हैं जिनकी शूटिंग मुंबई में होती है। अभी मेरा एक म्यूज़िक वीडियो आना है जिसकी सारी की सारी शूटिंग हमने यही मुंबई में ही की थी, वो भी जल्दी दर्शकों को देखने को मिलेगा। सो आई लव शूटिंग देयर। वफा ना रास आई उसके बाद आरुषि जी को हमने देखा नहीं, तो कब है जो दर्शक और फैंस को इंतजार होगा कि आरुषि जी को फिर कब वो एल्बम सॉन्ग या मूवीज़ में देख पाएंगे? I am giving a good break to my fans so they can miss me around. So after Wafa Na Raas, a huge success because we crossed 240 million, अभी हम लोगों ने cross कर लिया है, और बहुत ही खूबसूरत जुबिन नौटियाल की आवाज़ में इसको गाया गया था, हिमांश कोहली मेरे साथ इस म्यूज़िक वीडियो में थे, और बहुत बहुत फैंस का प्यार हमको मिला। अभी मेरा एक और म्यूज़िक वीडियो जी के थ्रू आने वाला है, सो वी आर just keeping fingers crossed that how it's going to happen. तो आरुषि जी, आप किस, आप अगर फैमिली की बात करें तो राजनीति से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो बॉलीवुड की तरफ किस तरह से आपका रुख हो गया? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग जो इस दुनिया में आए हैं, हम सब एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पैदा हुए हैं, और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बोलती है कि अगर सोसाइटी ने आपको इतना कुछ दिया है, सो दिस इज़ आवर टाइम टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। आप डॉक्टर होके भी वो काम कर सकते हैं, आप इंजीनियर होके वो काम कर सकते हैं, आप राजनेता होके वो काम कर सकते हैं, और आई फील बीइंग एन एक्टर एंड प्रोड्यूसर, वी फील लॉट मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आप लोगों को जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो उनको बहुत अलग तरीके से मोटिवेट करता है, एंड दैट इज़ अ रीज़न यू सी हमारे जो टैबूज हुआ करते थे भारत में, कहीं ना कहीं सिनेमा ने उनको बदलने की कोशिश करी है, और इसी कोशिश को लेकर हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। आई एम माई सेल्फ इज़ अ प्रोपोगेटर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने जो है वो प्रोडक्शन के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, एज एन एक्टर ऑल्सो, मैं जो अपने सोशल मुद्दों पे काम कर रही हूँ उसके लिए भी लोगों को मोटिवेट कर सकूं। तो सोशल वर्क और सोशल जो मुद्दे हैं वो आपके जो सोशल मीडिया, उस पर आप काफ़ी एक्टिव रहती हैं, जो लोग देख पाते हैं, तो किस तरह से इन मुद्दों को लेकर जो हमें समाज में लेकर आना चाहिए? क्योंकि आज अगर हम वेब सीरीज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो आज कुछ ऐसे चीज़ें आ गई हैं जो एक फैमिली के साथ बैठकर हर कोई नहीं देख सकता, तो इस बात को कितना आप अपने प्रोडक्शन हाउस में ध्यान देकर, किस तरह के प्रोजेक्ट को आप ध्यान रखकर इसको सामने लेकर आएंगे? देखिए, ये इट वेरीज़ पर्सन टू पर्सन एंड इट वेरीज़ टू परसेप्शन,
that how do you see the world and how you want to show it to the world. And I feel हम उत्तराखंड से आते हैं तो हम बिल्कुल गंगा जैसी चीज़ों को और हिमालय जैसी प्यारी खूबसूरत चीज़ों को और मजबूत चीज़ों को दिखा कर और लोगों को मोटिवेट करना चाहेंगे. मेरा यही एम रहेगा. अभी यहाँ पर जो अवार्ड फंक्शन होने जा रहा है मनीष जी द्वारा आयोजित किया गया है उसमें आप भी अवार्डी हैं. किस तरह देखती हैं इस अवार्ड फंक्शन को, क्या गुड विशेज होंगे उनके लिए? मैं मनीष जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं. बहुत अच्छी बात अभी मनीष जी ने कही कि कहीं से तो शुरुआत करनी होती है और ये शुरुआत उन्होंने अपने सागा अवार्ड से मुंबई में की है. और आई फील ये अवार्ड पहला है और ऐसे ही एवरी ईयर इट विल गो बिग एंड बिगर. एंड मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ. इस अवार्ड को करके वो बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो अपनी आर्ट फॉर्म में एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ यू नो द वर्क एवरीबडी इज़ डूइंग उनको और मोटिवेशन मिल सके. और ऐसा करना समाज में बहुत ज़रूरी है. तो मुझे लगता है मनीष जी अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ. आपने अभी बताया जिस तरह से कि सोशल वर्क करते रहना चाहिए, लोगों की हेल्प करती रहनी चाहिए, तो आप अब आगे किस तरह से महिलाओं के क्षेत्र में गर्ल्स को पावर्स को लेकर, क्योंकि आप आपका जो पावर है आप हर क्षेत्र में, फिर वो चाहे बुक लिखना हो एक एज अ राइटर, सब वर्क को आप करते हैं, तो महिलाओं को किस तरह से आप आगे लेकर आएंगे? क्योंकि आपने कहा है कि आपके प्रोडक्शन हाउस से न्यू कलाकार हैं उनको आप मौका देंगे, तो किस तरह से उन्हें आप चुनेंगे कि जिनके अंदर कला है उन्हें वो एक स्टेज मिल पाए? दिस इज़ अ वेरी फनी थिंग बट मेरे प्रोडक्शन हाउस में जितने लोग हैं दे ऑल वुमेन टीम. सो आई वुड से दिस इज़ वे टू सपोर्ट एंड प्रमोट वुमेन इन द सोसाइटी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ और स्पर्श गंगा जैसे अभियान को हम लोग चलाते हैं. स्पर्श गंगा जो है वो आज से नहीं 2008 से बहुत सारा काम कर रहा है. हम गंगा की सफाई के लिए काम करते हैं. हमारे लोग 5 लाख से ऊपर की संख्या में पूरी देश और दुनिया में मौजूद हैं. हम लोग हर हफ्ते वीकली क्लीनिंग ड्राइव्स करते हैं. और आपने जो सवाल पूछा, सो वेरी इंटरेस्टिंग थॉट वी कम अक्रॉस, दैट इज़ द सर्कुलर इकोनॉमी. हम कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी वेस्ट नहीं है, एवरीथिंग कैन बी यूटिलाइज, री रिसोर्स एंड री यूज. इस बात को ज़्यादा तवज्जो देते हुए स्पर्श गंगा ने उत्तराखंड के 800 से ज़्यादा महिलाओं को जो फूल पत्ती गंगा में बह के आ जाते हैं उनको प्रोसेस करके अगरबत्तियाँ सेंसटिक बनाना शुरू किया. और ऐसे ही अब हम अपने सर्कुलर इकोनॉमी के इस काम को, जो कि इन्वायरमेंट को भी मदद करेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में भी मदद करेगा, सो सर्टन काइंड ऑफ इनिशिएटिव वी गोइंग टू टेक इन फ्यूचर. थैंक यू सो मच.